बारी है डबल्स करण और कालिंग के परफॉर्मेंस की, तो प्लीज मंच पर आ जाइए। मास्टर राजीव, आप बताइए कि आप इस डांस के जरिए क्या बताना चाहते हैं? हम ये लठमार होली करके खेलते हैं बरसना में, जो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे लड़का शील्ड लेता है और लड़की उन्हें लाठी मार के लाठी मारती है प्यार से। सो वो लठमार होली होती है। ये कुछ कृष्ण भगवान ने जब भी राधा के पास जाते थे, तभी कलर फेंकने के वक्त तभी राधा जी उनको लाठी मारती थी प्यार से, तो वहाँ से वो चालू हुई है, जो अभी वो प्रथा बन चुकी है। तो मेरे लिए भी एक्साइटमेंट है ये चीज करने में। मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये परफॉर्मेंस देखने के लिए, तो जोरदार तालियां हो जाए राजीव के रॉकेट से करण एंड कालिंग के लिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। रंग बरसे बिगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे बिगे चुनर वाली, रंग बरसे हर खाए गोरी का यार बलम तरसे, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। करण को ये लपेटे मारे टप टप, हाँ एंजॉय कर रही थी आज। आज सच में पहली बार देख रहा हूँ इतने एंजॉय करते हुए। एनीवेज, मास्टर से पूछते हैं कि आखिर उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा, और हम शुरू करेंगे मास्टर गीता से। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि वो पोर्शंस जितने थे जहाँ पे आपको लठ मारनी थी करण पे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि यू एग्जीक्यूटेड इट नाइसली, क्योंकि उसकी आवाज़ भी आई, यानी कि यू हिट इट एवरी टाइम ऑन टू द शील्ड, सो दैट वाज गुड। जो आपकी एंट्री थी, काश के वो थोड़ा और आप कर पाते, बिकॉज आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू और आप क्या कर सकते हो उसके साथ। मुझे लगता है आफ्टर अ पॉइंट ये स्टेज आपके लिए बहुत स्लिपरी हो गया, क्योंकि फॉर सम स्ट्रेंज रीजन मुझे ऐसा लगा कि करण हैड यू इन हिज, यू वर लॉक्ड ऑन टू हिज नेक, और आपको उसको लेके घूमना था करण, और वो आपने स्पीड से शुरू किया और फिर आप स्लो डाउन हो गए। इज द स्टेज वेरी बैडली स्लिपिंग राइट नाउ? बीच में सेंटर में आना था मुझे, वहाँ पर मैं ट्रिप कर गया था बिल्कुल एकदम। करेक्ट, आई ऑल्सो फेल्ट कि कार्लिंग रिस्ट्रिक्ट कर रही थी अपने आप के मूवमेंट्स को, क्योंकि मुझे लगा कि आप और खुल के नाच सकती थी इसमें। सो इट वाज रियली नाइस, ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ किया आपने, अच्छा किया लेकिन रिस्ट्रिक्टेड किया, सो जस्ट डिडंट गेट इट, बट आई लाइक द आइडिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर गीता। मास्टर मर्जी, आपको करण और कालिंग का परफॉर्मेंस कैसे लगा? करण कालिंग बिगिनिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि बैलेंस टिल्ट्स पे करना
डिफिकल्ट हो जाता है, आपने स्टिल वॉकिंग किया. गीता मास इज करेक्ट. आई विश आई सीन समथिंग मोर इंटरेस्टिंग ऑन दैट एंड आई लव टू सी दैट. कालिंग, आज मैं सिर्फ आप ही को देख रहा था बेबी. आई थिंक यू आर ब्यूटिफुल. ओके एंड आई टेल यू वाई ऑल्सो. यू आर ब्यूटिफुल इन इन दिस बॉलीवुड. आई एम टेलिंग यू, अगर आप झटका मटका करना शुरू कर देना, करण वो उस जगह से उठेगा नहीं. मैं सच्ची बता रहा हूँ. जब भी आप उस लाठी लेके मार रहे थे, मैं बोला था क्या टाइमिंग है. एंड ऑन टाइम यू वेंट टू हिट हिम ऑल द टाइम. सो इट वॉज अ वेरी नाइस परफॉर्मेंस बोथ ऑफ यू. करण, आई एम नॉट लीविंग यू आउट. ओके, यू आर अ गुड सपोर्ट टू हर. सो विदाउट यू शी वुड बी इनकम्प्लीट. ओके, गॉड ब्लेस यू बोथ. थैंक यू सो मच मास्टर मर्जी. मास्टर राजीव, आपको करण और कालिंग का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लाठी से आप चल के आ रहे थे, आई नो कितना डिफिकल्ट होता है, और मैंने भी ट्राई किया. मैं काफ़ी बार पिछला हूँ. गीता माँ ने सही कहा कि आपको जो सेंटर में आना था, थोड़ा एक यू नो पोजीशन गलत हो गया, तो इसके कारण जो एंड फिनिशिंग था वो करेक्ट आ नहीं पाया. लेकिन बाकी सब जो चीज़ थे, जो आपको मारना था लड़की को, यू नो लड़के के ऊपर जो लाठी बरसानी थी, बहुत अच्छे से किया आपने. और मर्जी सर सही कह रहे हैं, आप एकदम फुल टू फटाक लगते हो यार. थैंक यू सो मच मास्टर. थैंक यू. इसके बाद बड़ी माँ बोलूंगी. बड़ी माँ, मैं तो ये कहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट राजीव दैट ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब. और आज बहुत साल के बाद मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि आज होली है. आई हैव एंजॉयड इट. सबने सब कुछ कह दिया, मैं और क्या कहूँ. अच्छा था, वेरी वेल डन. थैंक यू दादा. थैंक यू सो मच. एंड लेट्स हियर इट फॉर करण एंड कालिंग.